ये हमारी कहानी का सार है। गोलू और राजू भाई और बहन है। और ये उनकी सारी दुनिया थी, ये छोटा सा मेला। करतब दिखाने वाले दूसरे लोग उनके दोस्त थे, परिवार थे, यही उनका घर था। उस दिन करतब दिखाने से पहले राजी अपने भाई को एक और लेकर गई। क्या तुम भूल गए छोटे भाई, उसने भाई से पूछा। और उसने भाई के हाथ पर राखी बांध दी, क्योंकि उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। हालांकि ये त्योहार का दिन था, लेकिन तब भी उन्हें पैसे कमाने थे, इसलिए राजी रस्सियों पर चली और दर्शकों को करतब दिखाया। और गोलू प्राचीन समय की कठपुतलियों की कहानी सुना रहा था, जब असुरों ने उस धरती पर कदम रखे। बहुत समय पहले की बात है, एक असुर ने तपस्या की। ऐसी साधना को देखकर ब्रह्मा ने उसे अमर होने का वरदान दिया और दिया एक सबसे शक्तिशाली अस्त्र। उसे पाने के बाद उसने सभी असुरों को युद्ध के लिए बुलाया। भूमि देवी ने उसे रुक जाने के लिए कहा। उसने भूमि देवी को बड़ी बेरहमी से मार डाला। इससे भगवान शिव बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने अपना पैर पटका और महाद्वीप अलग हो गए। साथ ही असुर हमेशा के लिए गायब हो गए। लेकिन जैसे ही वो बोला, आसमान में अंधेरा छा गया और पृथ्वी कांपने लगी और असुरों जैसे दिखने वाले लोग भीड़ में से निकलने लगे। लेकिन ये मुखौटे नहीं थे और ये बच्चों की कहानी नहीं थी। जैसे ही असुर सबको मारने आए, राजी ने अपने भाई के पास जाने की कोशिश की। उसे चोट लगी थी और वो डरा हुआ था, और वो जानती थी कि उसे अपने भाई को बचाना ही होगा। लेकिन राजी तब हार गई जब गड़ासुर के असुर गोलू को ले गए। राजी जागो मेरी बच्ची। स्टोरी मोड तो बड़ी मस्त थी राजी की। देखते क्या होता है इस गेम में। स्टोरी में दम है, गेम में भी देखते हैं दम है या नहीं है। चलो राजी भागो, उतरो जीना, उतरो जल्दी जल्दी।
उतरो 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 उतरो। और ये कौन सी जगह है? कहाँ आ गई? वो बहुत ही छोटी है, एक बच्ची। भगवान शिव के शब्द याद कीजिए। एक मानव के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। ये कौन बोल? क्या ये शक्तिशाली है? ये तो समय बताएगा। ओ चलो राजी। माधुर्गा, मुझे आपकी जरूरत है। ओ ग्राफिक तगड़े भाई साहब। वाओ मस्त है गेम तो भाई। लोगों आप भी ट्राई करो गेम को, ग्राफिक भी मस्त है। उसके भाई और दूसरे बच्चों को गदासुर ले गया। मैंने उससे कहा था कि उसे शक्तिशाली बनना होगा। उसकी यात्रा अनजानी और बहुत मुश्किलों से भरी होगी। मैंने उसे आशीर्वाद में त्रिशूल दिया है, मेरा सबसे शक्तिशाली अस्त्र जो भगवान शिव ने मुझे दिया था। इस त्रिशूल और राजी की खुद की पवित्रता और शक्ति से उसके भाई की जिंदगी बच जाएगी। बढ़िया है गेम तो। वो बिल्कुल शांत नहीं है, वो दिल से सोचती है। वो अंधेरी गुफा में बिना मर गया मैं तो भाई लोगों, दोबारा ट्राई हो रहा है। इससे कूदते हैं। चढ़ चढ़ चढ़। अच्छा नीचे आराम से। ओ क्या था? हर हर महादेव, हर हर महादेव। उसके अंदर एक आग है। हाँ, इसे खुद को संभालना होगा, लेकिन इस आग के बिना ये पहले ही हार मान चुकी होती। बहुत से मानव इस तरह बहादुरी से नहीं चढ़ पाते। हमारी राजी को ऊंचाई से डर नहीं लगता, देखिए। कहाँ जाना है? किस तरफ जाना है?
अच्छा, इस पे जाना है। ये किधर? इधर। चलो 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 चलो। ये छलांग रिलैक्स हो गए, आराम से आराम से आराम से आराम से, बिल्कुल आराम, हाँ आराम से आराम से आराम से आराम से, बहुत बढ़िया। और ये उधर देख रहे हैं, वो सोचना सीख रही है और अपने बचपन के कर्तव्य इस्तेमाल करना भी। खंबे पर चढ़ना एक बात है और असुर का सामना करना अलग बात है। अपने भाई को बचाने के लिए राजी को असुरों का सामना करना पड़ेगा।